सर किस चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ है नवीन और हम आज आए हैं रघुवर कायाकल्प जिम, जो है हमारी क्या बोलते हैं बिस्तरों लाटे के नीचे किशोर सागर तालाब के सामने। सो गाइस, आज हम यहाँ की ब्लॉग बनाएंगे और बताएंगे यहाँ की खासियत, यहाँ के बारे में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं दूसरी जिम से, लोगों को बताएंगे छतरपुर के लोग इस जिम के बारे में। तो अभी हम चलते हैं अंदर। देखो मेरे मोबाइल में अलार्म भी बज गया है। ओके, सो अभी हम अंदर चलेंगे और मैं आपको दिखा दूँ सब कुछ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए ट्रेनर मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, आप पढ़ सकते हैं। कार्डियो सेक्शन है और यहाँ पे जो मशीन है हमारे फिटनेस के लिए और पर्याप्त मात्रा में, मतलब ऐसा नहीं कहीं कहीं सिर्फ एक होती है या फिर होती ही नहीं, यहाँ पे दो हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर ज्वाइन करते तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जगह ऐसा होता है कहीं कहीं आपको वेट करना रहता है। तैयारी चल रही है अभी योगा की। Thank you.
आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आप बताइए जिम के बारे में और कब से आ रही हैं और क्या है यहाँ की खास बात? देखिए मैं यहाँ पे 5 सालों से आ रही हूँ और यहाँ का जो जिम है ये बहुत ही अच्छा जिम है। छतरपुर में एक मात्र ऐसा जिम है कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी ट्रेनर भी है और हम लोग को टाइम टाइम हम लोग भी करते हैं, योगा भी करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एक साथ आते हैं और ये माहौल यहाँ का सबसे बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, अच्छा लगा। आप हमें बताइए टीनएजर्स को ध्यान में रखती हुए जिम के बारे में कुछ बताइए। टीनएजर्स के लिए जिम बहुत अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है टीनएजर्स के हिसाब से, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत फैसिलिटेटेड फील करते हैं। मेरा भी यहाँ पे 1 महीने में 4 kg वेट लॉस हुआ है और यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है जैसे कि एरोबिक्स, उससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है और कार्डियो वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है यहाँ का और टीनेजर्स के लिए ऑल ओवर बहुत अच्छा है। हमने अभी देखा कि छतरपुर में गर्ल्स थोड़ा कम जाती हैं जिम, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाती हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ ये बात सच है कि गर्ल्स कम जाती हैं जिम, बिकॉज क्योंकि अगर हम लोग और जिम की बात करें तो वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा होता है ना, मतलब जिम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बार कॉमन बेच भी होता है, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है करने में, बट यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट फील करते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से वर्कआउट कर लेते हैं बिना कोई टेंशन के। जब आपने जिम ज्वाइन करने की सोची होगी तो मतलब ऐसा कभी हुआ होगा कि जाऊं या ना जाऊं, तो उसके बाद अभी आप जब से जिम ज्वाइन की हुई है अभी आप कंटिन्यू आ रही हैं, तो इसके बाद आप गर्ल्स को क्या बोलना चाहेंगी कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं? देखिए स्टार्टिंग में सबको हेजिटेट फील होता है, कोई भी जिम में हम जाते हैं स्टार्टिंग में हेजिटेट फील होता है, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर कम्फर्टेबल हो जाते हैं ना तो हम लोग को हेजिटेट फील नहीं होता। अगर हम और जिम की बात करें तो वहाँ पे कॉमन बेंच में बहुत सी चीज़ें होती है, मीन्स कॉमन बेंच में इतना फैसिलिटेड लोग भी, लेकिन यहाँ पर लोग कॉमन बेंच में, मैं बता रही हूँ मैं स्टार्टिंग से ही कॉमन बेंच में आ रही हूँ, शुरू में मेरे को भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हुई थी, लेकिन अब नहीं होती है, अब बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। उन लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी माइंड में बना के बैठी हैं कि हम आज ही जिम ज्वाइन करें या ना करें, उनको आप आज की डेट में क्या सजेस्ट करोगी? बिल्कुल यहाँ पे जिम ज्वाइन करो, यहाँ पे सब कुछ होता है, एरोबिक्स भी होता है, योगा भी होता है, आई थिंक गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना नाम बता दीजिए, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके थैंक यू सो मच। मैं गाइस ऑल लोग से आपको बात कराने की कोशिश करता हूँ और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिम में, बाकी आप देख सकते हैं मशीन वगैरह जो भी यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। आप बताइए, एक सेकंड आप उसको छोड़ दीजिए, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। आप बताइए जिम के बारे में कब से आ रहे हैं पहले तो ये बताइए। मुझे कंप्लीट हो गया है। और मैंने से स्टार्ट किया था। आफ्टर 3 months आई ज्वाइन योगा क्लासेस, यहाँ के जो वेरी गुड ट्रेनर एंड सी इज आई थिंक सर्टिफाइड ऑल्सो, श्योर सी सर्टिफाइड ऑल्सो, लेट्स वेट टू ज्वाइन आयोगा, थैंक यू वेरी मच। एरोबिक जुम्बा और योगा की क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हर एक एज ग्रुप को ध्यान में रख के ट्रेन दिए जाते हैं, ठीक है। एक तरह से हमें पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलती है, जैसे हम लोगों की एज है 40s में है तो वी कांट डू ना इंटेंस वर्कआउट लाइक कार्डियो एंड ऑल दैट मसल ट्रेनिंग, तो एरोबिक्स से क्या रहता है हमारा कार्डियो भी उसका हो जाता है, तो हमारा कैलोरी बर्न भी हो जाता है, मोर ओवर वी एंजॉय इट। हाँ जैसा एक आपका अच्छा स्ट्रेस बस्टर हो जाता है, क्योंकि वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिट होता है। ओके एंड योगा, एवरीबॉडी नो योगा है यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस, या या पूरे वर्ल्ड में इंडिया में योगा दिया तो वी लव इट, वी एंजॉय। ओके थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, फिर स्टिफनेस आ जाती है मसल ट्रेनिंग में, योगा से हमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। लाइक अबाउट दिस जिम द ट्रेनर्स द ओनर एवरीबॉडी इज वेरी कॉपरेटिव। ओके ओके और हमें तो ये लगता है कि हम पर्सनल अपनी ट्रेनिंग करते हैं, एवरीथिंग इज गुड। ओके ओके थैंक यू सो मच। ओके गाइस मैं आपको थोड़ा और बता दूं, यहाँ पे चेंजिंग रूम सेपरेट हैं बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, टॉयलेट्स भी अलग अलग हैं। Yeah.
वातावरण सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वही चीज़ इम्पॉर्टेंट होनी भी चाहिए। सो ठीक है, देख सकते हैं गाइस रोप। सर किस चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? शोल्डर कर रहा हूँ, आज मेरा शोल्डर का रूटीन डे था। हाँ, इससे पहले मुझे जिम के ट्रेनर्स के द्वारा जो एक्सरसाइज बताई जाती थी, हाँ, उनको मैं करके लगभग 15 किलो वजन कम किया मैंने। अच्छा अच्छा, बहुत ही गुड फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। और कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं लगभग 6 महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, 6 महीने से आ रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ के ओनर मिस्टर संदीप तिवारी जी से। तो हेलो सर, हाय, कैसे हैं रोहित जी आप? मैं बढ़िया हूँ, बताएं कुछ जिम के बारे में और क्या आपके आगे के प्लान हैं? एक्चुअली हम लोग जो है इस काम में पिछले 7 साल से इन्वॉल्व हैं, और हम कई लोगों को फिटनेस और फैट लॉस के बारे में उनको ट्रेन करते हैं, उनका फैट लॉस करा के देते हैं, यही हमारी स्पेशलिटी है। हम लोग लोगों को फिटनेस के बारे में बताते हैं। आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि सारे लोग कोरोना और इन सब त्रासदियों से जब परेशान हैं, तो इस दौर में भी हम लोग लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि कैसे हम जो है अपने स्वास्थ्य और ध्यान दे सकते हैं, कैसे फिटनेस को सही कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक हमारे यहाँ 2 मेल ट्रेनर हैं और 1 फीमेल ट्रेनर है। उसके बाद जो है हम लोग सारे एरोबिक्स, जुम्बा, जैसा कि आपने पहले भी बताया है, उन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बात करेंगे निहारिका गोस्वामी जो यहाँ की ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर हैं। तो निहारिका जी आप बताएं कुछ। जी, मैं यहाँ पे 4-5 साल से मुझे ट्रेनिंग लेते हुए हो गया है, और मैं 4-5 साल से लोगों को, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, उन दोनों को ट्रेन कर रही हूँ। स्पेशली मैं यहाँ पे फीमेल ट्रेनर बॉयज़ भी मुझे ट्रेन लेते हैं, क्योंकि जो मेरा वर्क है एरोबिक, जुम्बा और योगा ट्रेनिंग का है ना। तो गर्ल्स के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे मेल ट्रेनर लगी हुई है। मेरा है योगा एरोबिक जुम्बा का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों को ट्रेन करती हूँ। योगा में सभी जानते हैं कि आज के डेट में योगा कितना, मतलब तो अपने आप में एक लेवल की चीज़ है, कि आज जो कोरोना चल रहा है, अगर हम योगा करके भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, योगा करके अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। एरोबिक जुम्बा इसलिए होता है कि जैसे कि आप वर्कआउट अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा कार्डियो है हमारे लिए, जिससे बहुत जल्दी और कम टाइम में हमारी कैलोरीज बर्न होती है, फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, अच्छा खासा पसीना आ जाता है, लगता है कि हमने कुछ किया है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपना। तो ये बहुत इंजॉयफुल टाइम होता है जब म्यूज़िक के साथ में और फिटनेस को जोड़ देते हैं, तो वो एक ऐसा टाइम बन जाता है जब हम इंजॉय करके वर्कआउट करते हैं। मुश्किल लोग वर्कआउट करने में डरते हैं, मुझे पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मैं वेट नहीं उठा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, पर हमारे एरोबिक जिम में यही होता है, जो अदर जिमों में आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कायाकल्प में ही बस मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी गर्ल्स और बॉयज जो चाहते हैं कि इजिली वर्कआउट करना चाहिए इंजॉय के साथ में, तो हमारी जिम में ज़रूर आए और उससे ट्रेनिंग लें, अदर ट्रेनर से ट्रेनिंग लें। और यहाँ का एटमॉस्फेयर मैं बताऊँगी आपको, तो एटमॉस्फेयर के लिए मैं भी एक गर्ल्स हूँ, मुझे भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना, किसी भी जिम में
जाओ तो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है। बट मैं जब से यहाँ से आई मुझे एक फैमिली की तरह माहौल मिलता है, यहाँ मेम्बर्स आते हैं उनसे मुझे फैमिली वाला माहौल मिलता है, भाभी है भैया, यहाँ हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, यहाँ में ये नहीं लगता कि वो मेरे कस्टमर है कि मैं उनकी ट्रेनर हूँ, यहाँ में फैमिली क्रिएट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग में बताऊँ तो यहाँ जब हम आते हैं डेली तो उनका एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनी हुई है, हम साथ में इंजॉय करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बातें भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निहारी। मेरा नाम अमन है, मैं झज्जर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ और साथ ही मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, और मैं यहाँ कायाकल्प जिम में ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसमें हम लोगों को फैट लॉस, मसल गेन, वेट लॉस के लिए हेल्प करा रहे हैं, और साथ ही साथ हम कॉम्पिटिशन प्रैप भी करा रहे हैं जिसमें पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, एक्स वाई जेड इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ ही साथ हम लोगों को डाइट के लिए भी बता रही है। मेरा नाम गैब्रियल जॉर्ज है और मैं सागर से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक पावर लिफ्टिंग चैम्पियन हूँ इन स्टेट लेवल, और यहाँ पे हमारी कायाकल्प जिम में काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती है जैसे फैट लॉस, वेट लॉस, इंचेस लॉस, और काफ़ी सारे डाइट प्लान दिए जाते हैं जो आपको आपके वेट लॉस में, आपकी मसल गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे, तो आप यहाँ पे आइए और इस सुविधाओं का फ़ायदा। गाइस मिलते हैं अंकित शुक्ला जी से। अंकित जी बताइए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ हैं। नमस्कार, हमारे यहाँ सात वर्षों से सेवा में कार्यरत है, और हमारे यहाँ मसल बिल्डिंग, योगा, कार्डियो जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और हमारे ट्रेनर जो हैं वो बाहर से सर्टिफाइड हैं जो कि मसल बिल्डिंग, और आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको प्रोटीन वगैरह जो भी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी प्रोवाइड हमारे यहाँ से कराया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइटिशियन भी उपलब्ध हैं, आपको प्रॉपर डाइट उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कोरोना के बाद सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, मशीनों को प्रॉपर सैनिटाइज करवाया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, गाइस विजिट करें और ज्वाइन करें, और ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नवीन भाई क्या बोलना चाहोगे तुम, तुम्हें क्या लगा इतनी देर से हम यहाँ पे? जिम ज्वाइन करें। और तुम फिर कब जिम ज्वाइन कर रहे हो भाई? मैं भी सोच रहा हूँ कि एक दिन में करीब। ओके सर, नवीन तुम भी कर लेना, अभी हम मुझे भोपाल भी जाना है। सो गाइज थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत, हाँ शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये गर्ल्स और काफ़ी लोग के लिए। सो थैंक यू सो मच।